अगर तो आप चिकन कोरमा के शौकीन हो तो ध्यान रखना ये घर में चिकन कोरमा बनाए, और अगर आपने वीडियो देख लिया और ये रेसिपी समझ लिया तो भैया घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो चालू करते हैं। यो 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 वैसा पीपल, हाँ जी आज घर पे हूँ यार, थक जाते हैं ब्लॉग हम भी शूट कर करके, और काफ़ी समय से कर रहा था। आपको पता है हर 8वें 9वें 10वें ब्लॉग बाद मैं एक बार घर में ज़रूर शूट करता हूँ। अब सीन ऐसा है कि घर पे था, एक फ़ोन आया था, मुझे कहते हैं कि हम बनाते हैं बहुत बढ़िया मटन और 20 साल से कुक कर रहे हैं सपन जी। अब मैंने कहा कमर्शियली करते हो, कह रहे हैं ना मेरा कोई रेस्टोरेंट ना मेरा कोई क्लाउड किचन, मैं सिर्फ किलो के हिसाब से या खुद लोगों के घर जाके बनाता हूँ मटन और चिकन उनके हिसाब से उनके पैलेट के हिसाब से। मैं कहा मेरे को क्या खिलाओगे, कह रहा आप मटन खाओगे चिकन। मैंने कहा मटन के बड़े रेसिपीज दिखा चुके, चिकन की दिखाते हैं। टू विच ही सेड लेट्स मेक चिकन कोरमा ऑथेंटिक स्टाइल। सारे उनके हिसाब से इंग्रीडियंट्स लगा दिए बढ़िया तरीके से, आने वाले 5-7 मिनट कह रहे भी लगेंगे, तो मैंने सोचा इंट्रो बना लूँ। घर पर हूँ, आईवी से मिलवाता हूँ। आईवी आपको जिनको नहीं पता देखना आईवी को, और जिनको पता वो खुश हो जाएंगे। तो आईवी से मिलवाता हूँ, फिर रेसिपी बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ आप सीखोगे और एक नई रेसिपी सीखोगे, अगर नहीं सीखोगे तो इनसे ऑर्डर कर लेना। वीडियो के अंत तक बन रहना। एक सच्चा स्वाद, एक सच्ची कहानी इंसान की जो 20 साल से कुक कर रहा है। चलें लेट्स गो। मिलो आईवी से। हाय आईवी बेटा। हेलो। अब सर्दी आ गया ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा स्वेटर बना दिया। स्वेटर भी क्या है, टी शर्ट है पतली सी। हेलो बेटा। सो आईवी हो गई है पूरे 4.5 साल की। आईवी ऐसे देखो, ये देखो इसका फेस, ये देखो मोटू का फेस। ए मोटू मारा, ओ ले हाथ धोते हैं, फिर सपन जी आते हैं, फिर खाना बनाते हैं। खाओगे बेटा? लगता है आ गए हैं। कभी खोलियो आईवी बेटा, इधर आओ। क्या हाल है सपन जी, कैसे हैं? गुड टू सी यू सर। आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नोएडा से आ रहे हो ना? यस, कमिंग फ्रॉम नोएडा। नोएडा से आ रहे हो, 78। बहुत ही बढ़िया। अब आपको माइक पे ना सर, लोगों को आपकी आवाज़ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चाय कॉफ़ी पानी पेप्सी वांटा कुछ? नथिंग सर। माइक पहना दूँ? श्योर श्योर। 20 साल से कर रहे कुकिंग कर रहे हो आप? यस ओम शेफ। अच्छा जी, लोगों के जाके कुक करते हो? बढ़िया श्योर। अच्छा जी चलो बहुत बढ़िया, आओ मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। सर ये हमारी छोटी सी जी किचन, जहाँ आपके हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट सारे लगवा दिए हैं। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है जी, कैरी करें, चालू करें? बिल्कुल श्योर सर, रेडी टू गो। आपको फेवरेट क्या, मटन या चिकन? वैसे मटन। आपको फेवरेट मटन है? अगली बार मटन बनाएंगे। श्योर। ठीक है चलो चिकन की तैयारी करते हैं चालू। ठीक है जी। राइट सर। ऐसा करते हैं आप बनाना चालू करो, मैं बाहर जाता हूँ विंडो के और वहाँ से कैमरा के शॉट्स लूँगा। श्योर। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। तो बाहर से ना बड़ा प्यारा वो आता है व्यू, दिखाता हूँ आपको। बाय द वे दिस इज द बालकनी एंड हाँ जी क्लियर। एक मिनट है ना जी, फोकस ले लें। फोकस फोकस फोकस, आ रहे हैं बिल्कुल स्मार्ट आ रहे हैं जी आप, एंड साथ में हमारा खाना भी आ रहा है और ये इंग्रेडिएंट्स है। चालू करें सर? श्योर चलो। शोएब जी चलो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 किलो चिकन कोरमा की रेसिपी, जिसका पहला इंग्रेडिएंट जाएगा 250 ml से 300 ml तक मस्टर्ड ऑयल इन द पैन। फैमिली के लिए आप ही कुक करते होंगे फिर? श्योर हैं बिल्कुल। बाहर से खाना मंगाते नहीं मंगाते? बहुत रेयर। घर का ही नॉनवेज? मेरे को खुद नहीं पसंद मार्ग। बहुत लिमिटेड जगह है। अभी उस दिन बर्थडे वाले दिन इसके हम गए थे वेनिस मॉल, तो वहाँ 19th होल है, वहाँ बुक किया था। खैर ठीक था, उसका खाना अच्छा खिलाया उसने, मगर बाय एनी चांस उस दिन था गुरुपुरब। और फिर वाइफ प्रेफर करते, मोटी मोटी बात है, घर के प्रेफर करते हो? हाँ हाँ बेसिकली। तो जी हमारा तेल फट गया है शोएब जी, अब हम इसमें डालते हैं 5 मीडियम साइज़ के फाइनली स्लाइस किए हुए प्याज। बहुत आराम से डालिएगा, पीता आता है। अब हम अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज, अब हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर स्टेम्स। अच्छा डंडियां धनिया की? जी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सबकी अपनी रेसिपी होती है, अच्छा लगता है देख के। हम इतने रेसिपी वीडियो बनाते हैं ना, तो हर किसी के हाथ का एक अलग ही हिसाब है। yes. आइटम एक है, सबके हाथ का टेस्ट अलग, सबका बनाने का तरीका अलग। अब लोग देख लो ऐसे व्यू है वैसे कुछ, मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ बालकनी से खड़ा हुआ। चाय कॉफी कुछ तो बोलो। नहीं सर अभी नहीं, नथिंग लेते हैं। पक्की बात है? हाँ हाँ श्योर श्योर है श्योर। शाम वाला काम करते हैं आप? शाम वाला कर लेते हैं कभी कभार, कभी कभार बात करेंगे इस बारे में, जरूरी है। चलो हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको निकाल के एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे, जिसको अलग कर रहे हो। तो शोएब जी अब जा रहा है हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च हाथ से कुटी हुई उसी वाले तेल में जिसे प्याज था, जिसमें प्याज था। अब
अब हम डाल रहे हैं इसमें खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लाल मिर्च 3, दालचीनी वगैरह वगैरह। वहाँ पे बन गई तवा रोटी हमारे लिए और साथ में आईवी के लिए भी, उसका भी खाने का टाइम है। गर्मा गर्म फूली तवा रोटी साथ में चिकन कौरमा के, अरे ये देखो कपिल आर एक्सपर्ट स्टाइल देख लो भाई का। चलो अब इसमें हम डालते हैं मसाले। सबसे पहले धनिया पाउडर 2 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच जीरा, 2 ही चम्मच देगी लाल मिर्च, 1 मेरा स्पेशल कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अच्छा आप कुटी फॉर्म में डालते हैं जी, ताकि मुंह में ना आए गैस। यस, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, वेरी राइट टू डू इट। सो हमने मसाले वगैरह पहले पूरा एक पेस्ट बना लिया, बढ़िया। अब हम करेंगे गैस को बंद। अच्छा, और इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम फेंटा हुआ। सो फिर से गैस को बंद करने के बाद डालनी दही। जी बिल्कुल, गैस को बंद करेंगे और 400 ग्राम फेंटा हुआ दही, 400 ग्राम दही जी। गैस फिर से गैस बंद करने के बाद, बिल्कुल गैस कर बंद करने के बाद, और इसको अच्छे से चला लेंगे, बिल्कुल चला के दही फटे ना। अब हम गैस को ऑन करेंगे और हाँ, और मीडियम पे रखेंगे, लो से मीडियम, हाई नहीं करना है। और फिर हम इसको दही को चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छे से दाना ना आ जाए। अब जाएगा 1 किलो चिकन जी। गाइस पीछे दही देखो गायब हो चुके हैं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली। तो दही को आपने कहा हिलाते रहना है, बिल्कुल हिलाते रहना है नॉन स्टॉप। जो प्रोसेस बताया वीडियो में एग्जैक्टली वो फॉलो कीजिएगा फॉर द बेस्ट रिजल्ट। प्याज यहाँ पे अलग से है जो भी मिक्स होगा थोड़ी देर बाद। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे ताकि हम चिकन को भून लें अच्छे से। मैं 1 सेकंड आया है, आईवी को देख के आ रहा हूँ एक बार है। और ये देखो भी रोटी बन रही थी ना, ये इसकी चपाती। हाउ इज इट आईवी, मज़ा आ रहा है बेटा? जैसे स्कूल नहीं जाते बच्चे यूनिफॉर्म पहन के, वैसे ही लगती है। आईवी के बर्थडे आ रहे हैं तो पुणे की हमने अब तक जगह कर ली है 6 फाइनल, 2-3 और रह गई हैं और फ्लाइट भी बुक हो चुकी है, तो कभी भी शुरू हो जाएंगे पुणे के। मैं आप ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अब आपको वेट करनी है। एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले, हाँ, बट व्हेन यू मेक सच अ टूर एंड यू गो टू अ न्यू सिटी टेक्स टाइम, बट इट शुड ऑल बी वर्थ इट बाय द एंड ऑफ इट। अब हम गैस को मीडियम पे करके इसको लिड से कवर कर देते हैं ताकि आराम से कुक होता रहे। अब हम अपने ब्राउन ऑनियंस को एक मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। अच्छा, इसको ग्राइंड करना, पेस्ट बनाना? बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। रेसिपीज कहाँ से सीखी आपने? सर वैसे ही थोड़ा मदर, थोड़ा वीडियोस और वो कुकिंग का शौक है। अच्छा, तो घर में आप ही अकेले जो कुकिंग के शौक रखते हैं ऐसे, या फिर है बाकी भी? नहीं, मैं हूँ, मदर है। अच्छा, मगर मुझे थोड़ा ज़्यादा है शौक और नई नई चीज़ें ट्राई करने का। भाई ये कैसी लग रही है आपको मुझे बताओ? थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, फाइन पेस्ट हो जाए। गाइस अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, रेसिपी जहाँ इनवाइटिंग रियल गुड शेफ जो एक्सपर्ट हैं, जो कुकिंग कर रहे हैं सालों साल से, जिनके हाथों में मज़ा है, तो मुझे बताना अगर ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अब हम इसका लेड हटाएंगे और जो अनियन की पेस्ट बनाई है उसको इसमें मिक्स करेंगे। इसका कुकिंग टाइम नॉर्मली कितना होता है? 1 घंटा ऑलमोस्ट, इन एन आवर ईजिली रेडी हो जाता है, 50 मिनट्स टू 60 मिनट। खुशबू कैसी आ रही है शुभ जी? बहुत बढ़िया। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि आपने देखा होगा हमने नमक स्टार्टिंग में ऐड किया था, अपने हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डालिए और इसकी लेड लगा के 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए। स्वाद अनुसार नमक, 15 मिनट पकने देंगे अब जी। अब हम इसकी लेड हटाएंगे। होगा इसको 15 मिनट पकते हुए जी। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर, थोड़ा हम रख लेंगे गार्निश के लिए, और एक अच्छा सा स्टेयर दे देंगे इसको। एक पीस भी दिखा दो, ये शोएब भाई का फेवरेट पीस, लेग पीस, और दिस इज द विंग। बिल्कुल जी, पूरे ऑथेंटिक कोरमे का आ रहा है फ्लेवर, बिल्कुल ऑथेंटिक कोरमे का आएगा सर। 5 से 10 मिनट के लिए और पकने के छोड़ देंगे। कहीं जी देखो गेट पे कोई आया ना, इसे पता चल गया अपने आप कि वो दरवाजे पे आया। अभी कौन है? आओ देखो कौन है, चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो। कौन आया है? खोलें दरवाज़ा। चलो जी आ जाओ।
आए अच्छे कौन आया अभी घर पे देख रहे हो ठीक है वेरी गुड। ये हरी मिर्च का क्या कर रहे हो जी? हरी मिर्च डालिए लास्ट में। गार्निश में धनिया हरी मिर्च और थोड़े से जिंजर जूनियल्स वो डालेंगे। लीजिए हमारा चिकन कोरमा रेडी है। डन जी। सो ये हो गया जी आपका चिकन कोरमा डन। कोरमा डन। बहुत ही बढ़िया। अब हम इसको गार्निश करेंगे कोरिएंडर ग्रीन चिली एंड जिंजर जूनियल्स। अच्छा दिस इज योर स्टाइल ऑफ चिकन चिकन कोरमा। वेरी गुड जी। सर इसकी प्लेटिंग करें। बिल्कुल सर। गाइस तीन कटोरियां लग रही हैं मेरे लिए सपन जी के लिए और कपिल के लिए। कपिल लाइक माय ब्रदर माय डोमेस्टिक हेल्प ही इज ब्रदर। और ये साथ में आए पूली पूली रोटी। कपिल थैंक्स ब्रो। कपिल प्याज और वो भी दे दे भाई। ये रोटी ये हो गया जी काम बढ़िया। पहले आदमी आंखों से खाता है फिर जेन्युइनली खाता है मुंह से। आंखों से खा के मेरा पेट भर चुका है। आ जाओ ये देखो जी पहले है यहाँ पे रोटी पे बोटी पूरा देख रहे हो किस तरह से हाल है। तो मैं हल्की सी यहाँ से लेता हूँ रोटी ये देख रहे हो जी। और क्योंकि मेरा फेवरेट पीस यहाँ पे है लेग पीस तो मैं वहाँ से नहीं उठा रहा मैं यहाँ से खाऊंगा। ये देख रहे हो जी पूरा लेग कोरमे का ये डाले जी पीस अच्छे से गला हुआ है यहाँ फुल नंबर है गलने के। और ये हमने के ग्रेवी ये देखो जी खाएं इसको। ऑलराइट 3 2 1 सब्सक्राइब लेट्स गो इन। यू नो व्हाट डू आई लाइक द रोगन जो कोरमे के ऊपर आ रहा ना वो है मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी बात बताऊँ मसालेदार है। हाँ नॉट द बेस्ट कोरमा बट वेरी गुड। अगर ऐसे स्टील की प्लेटों में आपको ऐसा खाना मिल जाए साथ में आपको मिल जाए हरी मिर्च कमाल हो जाए मजाक नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात कुकिंग टाइम इज जस्ट 1 आवर। 1 घंटे में अगर आप ऐसा खाना टेबल पर रख दो जहाँ लोग इन्जॉय करें मज़ा आ गया। दी ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट इन दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ मोर कार्डमम इलायची उसके अलावा इट्स वेरी कुक बेस्ट इज कुक टू परफेक्शन। कई लोग इतना गला देते हैं कि ना पीस उतरने लग जाता है एंड दैट्स नॉट वेरी नाइस चिकन से इतना कि वो अलग ही निकलता है। आई लव द स्पाइस लेवल इट्स बैलेंस्ड सपन विच राइस मीडियम स्पाइसी और सबसे मोटी बात कि या ग्रेवी मसालेदार चटपट। वंस अगेन अ लिटिल मोर कार्डमम इज व्हाट आई नीड टू हैव दैट लिटिल रिच स्वीटनेस टू इट। उसके अलावा सुपर डुपर सपन जी के डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और प्राइसिंग और ये नंबर डाल दूंगा कभी इनसे पिक करना हो या इनको घर बुलाना हो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ठीक है कि नहीं है। अगर ऐसे वीडियो पसंद है कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आई लव टू मीट न्यू शेफ एंड नो अबाउट दिस स्टोरी एंड द कुकिंग स्टाइल। अरोरा शो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शो अरोरा व्लॉग और देखेंगे वहाँ भी फॉलो कीजिए। अब मैं आराम से थाली एंजॉय करूँगा सपन जी के साथ जल्द मिलूंगा। टेक केयर।